अंकित गेरा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बिग बॉस नाउ, बट द सपने सोहने लड़कपन के एक्टर सेज ही वुड लव टू कम्पीट वंस अगेन. Viewers were expecting to see fireworks, what with his ex-flame Rupal also competing, but that didn't happen. वो different color भी क्या, different shades की दुनिया है proper. अच्छा. क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको कोई देख नहीं रहा है, और ऐसा दिन में 2 घंटे 3 घंटे होता है, जैसे शूटिंग में 8 घंटे 12 घंटे, लेकिन वहाँ 24 घंटे हैं. सोते हुए भी आप पे नज़र है, जागते भी आपकी नज़र है, बाथरूम में भी आप अकेले नहीं जा सकते हो, कुछ भी काम आप प्राइवेसी में नहीं कर सकते हो, हर बात आपको सोच के बोलनी पड़ती है, सब आपके साथ स्ट्रेंजर्स हैं, ऐसे नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं होता. तो ये डिफरेंसेस हैं, ऐसे और कई भी हैं, लेकिन हाँ दोनों बहुत ही अलग शेड्स हैं. बिकॉज अपने आप को मतलब वहाँ पे आपको सर्वाइव करना है, अपने आप की चीज़ें बेसिक नीड्स हाइजीन के साथ आपको अच्छे से रहना है, दैट इज़ अ बेसिक आइडिया देयर. वो सब फाइट्स वाइट्स तो चलो बात की चीज़ है, लेकिन एक बेसिक चीज़ वो है जो आप अपने घर पर पूरा नहीं करते हो. तो आई थिंक इन सब चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है. देखिए, मुझे लगता है कि कीर्तन वंदना आगे तक जाएंगे, बिकॉज़ वो बहुत ही सटल हैं और बहुत मतलब वो प्ले नहीं करते, वो खुद ही ऐसे हैं, और उनको ऑडियंस बहुत लाइक करती है, तो मुझे वो लोग बहुत पसंद होते हैं. बट स्टिल अभी तक गेम चालू है बिग बॉस के घर में, यू नेवर नो, हो सकता है मैं वापस जाऊँ, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा. Powered by NNIS.